नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में चल रहा है और गुरुवार को इसका समापन है। इस अधिवेशन में विभिन्न राज्यों से आए उनकी पार्टी के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया जा रहा है और पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अधिवेशन महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले चुनाव में बीजेपी को टेंशन दे सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यह कयास भी लगाया जा रहा है कि राजभर की पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी दखल देगी और साथ ही चुनाव भी लड़ सकती है। इसलिए मुंबई में रखा गया यह राष्ट्रीय अधिवेशन अगर सुभाषपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। हालांकि अभी यह स्थिति साफ नहीं है कि यहां सुभाषपा अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी दल के साथ गठबंधन होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संयोजन में 2 दिवसीय पार्टी अधिवेशन भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्य गृह मीरा रोड मुंबई में आयोजित प्रथम सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही इस दौरान इसके साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा ओबला मजीवाड़ा शिवसेना नेता प्रताप बाबूराव ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अपने कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। साथ ही आपको यहां ये भी बता दें कि अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इस चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 105 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी के साथ शिवसेना भी शामिल थी। बाद में शिवसेना ने एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूवीटी एमवीए में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में क्या मौजूदा सरकार वापसी करती हुई नजर आती है या फिर सरकार बदलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।